भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और उनकी इज्जत करना ना सीखे तो समझना उसने कुछ सीखा ही नहीं। तीन चीजें बहुत मुश्किल है, राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और समय का सही इस्तेमाल करना। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना चाहते हो, डरो तो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देता है। बहस और तानों से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए अपनों से कभी ऐसी लड़ाई मत करना कि लड़ाई को जीत जाओ और अपनों से हार जाओ। सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही है जीवन का व्याकरण। श्री कृष्ण ने कहा है कि पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता भी नहीं है। कि सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान ही मिलेंगे। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही खड़ा है। जो आपकी सही बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी भी बर्बाद ना करें। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता देखकर उन्हें चिंता होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देकर ये कभी मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ है, लेकिन ये सोचिए कि उसे तुम पर कितना भरोसा है। कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर, जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की भी क्या औकात। जरूरी तो नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है कि आप ये खेल जीत जाए मगर उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाए। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। कुछ बातें लफ्जों से ज्यादा खामोशी बयां कर देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नजर में अच्छे हैं हम, किसी की नजर में बुरे हैं हम। सच तो ये है जो जैसा है उसकी नजर में वैसे हैं हम। कैसी है ये आज की दुनिया, ना तो किसी को कायदे पसंद है ना ही किसी को वायदे पसंद है। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे ही पसंद है। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वो कभी भी भुला नहीं पाता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। कि प्रयास करने वाला इंसान तो कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान तो जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही है प्रकृति का अटूट नियम। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में गहराई व विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बन सकता है। दूसरों को खुशी देकर जब एक छोटी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर आती है, वही है सच्चा सुख, सच्चा सुकून, मानव मन की तृप्ति।
प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन विचारों व आत्मा में अद्भुत शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार प्रार्थना भी मानव जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। राधा ने सब छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे ना जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, सदैव कहा जाता है राधा कृष्ण। जो सब समर्पित करता है वह सब पा लेता है, जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वह बिल्कुल आगे आ जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका बताना। मेहनत कभी भी मत छोड़िए, किस्मत के द्वार सिर्फ वही लोग खोलते हैं जो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखते हैं। जिसकी सोच में गंदगी होती है उसका चरित्र हमेशा बदबू ही मारता है। रिश्तों के बाजार में कुछ इस तरह से रिश्तों को सजाया जाता है। ऊपर से तो अच्छा दिखाया जाता है, अंदर से ना जाने क्या मिलाया जाता है। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ उसका पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, बस ईश्वर का साथ नहीं होता। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम अलविदा भी ना कह पाए। सभी को खुश रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।